और अगरबत्ती कभी जलाना मत। क्यों? पहली बात, वहां से अगरबत्ती जब जलाते तो बहुत ज्यादा सुगंध आता है ना। वो सुगंधित चीज क्या है? बहुत ज्यादा खतरनाक केमिकल है। और भगवान बस ऐसा करो, एक दिन बैठ जाओ और अपने सामने एक मुट्ठी अगरबत्ती जलाओ और 2 घंटा उसको सूंघ लो। रह पाओगे? श्वास बंद हो जाएगा। कितना नुकसानदायक है। और उसका सुगंध हम ले नहीं सकते, सिर दर्द करने लगता है, तो भगवान कैसे सहन करेंगे? जब भाव प्रेम में प्रकट हो जाए तब आप यहां तक सोच सकते हैं। और दूसरी बात, अगरबत्ती में बांस लगा होता है, बांस को कभी जलाना नहीं चाहिए। बांस को जलाना यानी बंस को जलाना। बांस वंश वृद्धि के प्रतीक है, इसलिए आप बांस को मत जलाओ, अपने वंश को आगे बढ़ने दो, रोको मत। ये 2 कारण है। प्यार से बोलो, इसलिए धूप बत्ती जलाएं, घी के दीपक जलाएं, अगरबत्ती कभी भी ना जलाएं। जोर से बोल दो ना। और आप जितने मुझे सुन रहे हैं, अपने घर में छोटा सा बनाओ लेकिन भगवान के लिए सुंदर व्यवस्थित ढंग से रखो। आजकल लोग क्या करते हैं, भगवान को छोटी सी अलमारी में रखा और जगह इतनी सी है, और जाते हैं वृंदावन, गोपाल जी को उठा के लाए, अयोध्या गए, राम जी को उठा के लाए, पूरे राम दरबार को उठा के लाए और वहीं पर रखा। काशी विश्वनाथ गए, शंकर जी उठा के लाए, फिर रामेश्वरम गए, वहां से शंकर जी को लाए, नेपाल गए, पशुपतिनाथ भी लाए, जगन्नाथ गए, जगन्नाथपुरी स्वामी को भी लेकर के आए, और उसके बाद में इतने से मंदिर में, फिर भगवान बोले थोड़ा सा खिसको, मुझे जगह चाहिए। फिर हनुमान जी बोले कि राम जी के नीचे बैठना है मुझे, तो भगवान राम जी के साथ में ऐसे सटा करके रखा है, सांस भी नहीं ले पा रहे। प्यार से बोल दो ना। और बातें तो इतनी है, आप लोग की बुराई भी करूं तो बुरा मत मानना, क्योंकि सच्ची बात है। जैसे आपको जब नहाते हो ना, तो जब बाथरूम में जाते हो नहाने, एक टॉवल लेकर के जाते हो, अगर छोटे बालक को कह दिया जाए बेटा दादी के टॉवल से पोछ ले, तो कहेगा नहीं 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 नहीं, दादी के से कैसे पोछूं, खुजली होगा, है ना। घर में अगर 5 सदस्य हैं तो एक दूसरे का टॉवल शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा साफ सफाई वाले लोग हैं। मम्मी के टॉवल बेटा यूज नहीं करता, पति के टॉवल पत्नी यूज नहीं करती, सबके लिए अलग अलग चाहिए, है ना। अब मुझे नहीं पता आपके घर में क्या है, लेकिन हमारे घर में तो, प्यार से बोलो, मम्मी सबके लिए अलग अलग दे देती है। लेकिन जब हम अपने माता पिता के टॉवल यूज नहीं करते, तो भगवान के लिए एक छोटा सा कपड़ा रखा, राम जी को उसी से पोछा, कृष्ण जी को उसी से पोछा, फिर हनुमान जी को ले जा करके फिर पोछा लगा रहे, फिर भगवान कहते कि खुजली मिटी नहीं रहा है। प्यार से बोलो, इसलिए जितना हो सके उतना सेवा करो, एक भगवान को रखो, क्योंकि एक में ही अनेक है, एक ही सब कुछ है, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना। एक रखिए, आपके इष्ट देव को रखो, अगर 5 रखना है तो 5 के लिए अलग अलग सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं कर दीजिए। 5 टॉवल रखो, 5 थाली लगाओ, भगवान को खाने के लिए भी अच्छे भरपेट दे दो, रोटी खिलाओ, 5 भगवान को 1 रोटी कैसे होगा। प्यार से बोलो, इसलिए भगवान ने इशारा कर दिया, बोलना मत, बस हो गया, बेटा ही बने रहने दो, भगवान बनने में तो यहाँ नुकसान है।